नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आस्था पर आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नगर के बड़ा चौराहा स्थित एसबीआई बैंक के बाहर बने मंदिर में लगी हम सबके आराध्य हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने की फोन पर मिली सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक हिंदू नेता बिमल द्विवेदी जी ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल व उच्च अधिकारियों से मूर्ति तोड़ने वाले दोषी अराजक तत्वों पर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की, जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द दोषियों को पकड़कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, अभिषेक तिवारी, शिवम आदि उपस्थित रहे। रिपोर्टर आरपीएस समाचार। आज स्टेट बैंक के पास मूर्ति में जो है कुछ तोड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? आज प्रातः लगभग 9:30 बजे के आसपास फोन पर मिली सूचना पर नगर के बड़े चौराहा स्थित स्टेट बैंक के बाहर बने मंदिर की हम सबके आराध्य हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने की सूचना हम सबको प्राप्त हुई थी। तत्काल वहां मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व शहर कोतवाल को सूचना दी, जिस पर शहर कोतवाल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर देखा, जिस पर आधारित तत्वों द्वारा मूर्ति को किसी हथियार के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है, उसमें लगे पर्दे को फाड़ दिया गया है, जिस पर अराजक तत्वों व दोषी लोगों पर कार्रवाई की हम सब ने शहर कोतवाल व उच्च अधिकारियों से मांग की है, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सीसी फुटेज निकाल कर उनकी पहचान कर जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर जिला जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं उनसे सहयोग मांगा गया है कि सीसी फुटेज लगे कैमरों की सीसी फुटेज जल्द से जल्द पुलिस को उपलब्ध करा दें, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।